सोसाइटी रे आपनकर कम्युनिटी रे दैट इज आपनकर सोशियोलॉजी से गुडा कहि से जिंस गुडा कहि आपन खाली टिके ब्रॉड सेंस रे पढिबे जस्ट आउ किछ नै जेमति कि आपन देखंतु फैमिली आपनकर मैरिज ठीक अच्छे तो युवा सहित मैंने टोटली पूरा डे टू डे लाइफ आसत पूरा जड़ित ठीक अच्छे जमी एजुकेशन सिस्टम है इकोनोमिक सिस्टम है देन पॉलिटिकल सिस्टम है रिलेटेड नहीं कि इश्यूज गुड़ा जेंडर इश्यूज है वुमेन एम्पावरमेंट इश्यूज है चाइल्ड इश्यूज करप्शन जेकोसी जो गुड़ाक सोसाइटर इश्यूज गुड़ाक बस इतक ही आपड़ी देखिए टोटल सोशियोलॉजी को देखिए इतक ही रिलीजन देन आपर ट्राइबल इश्यूज जहाँ भी आपन सोसाइटी रे जो मैंने इनक्लूड होने विषय में ऑलरेडी किसी जानते ब्रॉड सेंस बस अधिक अधिक पढ़े दैट इज आप सोशियोलॉजी तो मैंने समस्ते फर्स्ट पॉइंट होता देन सेकेंड हूँ कौन समस्ते किसी ना कि आ विषय जानते मैंने प्री नॉलेज आपर समस्त किसी ना कि जिन सोशियोलॉजी एमती गोटे टॉपिक जोटा के चूज आप कहीं करेंगे ना कि आप जानते ओके तो जहाँ भी क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊँच किसी ना कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल हिसाब से गोटे भल सब्जेक्ट जेहतु आप किसी मानने आईडिया अच्छी सो दैट एटा भी नहीं पारे देन सिलेबस वाइज जब आम देखा सिलेबस वाइज आप पेपर वन सोशियोलॉजी पेपर टू सोशियोलॉजी आप कंप्लीट सोशियोलॉजी नौते देन जीएस वन देखो मुझे जीएस वन पेपर रखे जीएस वन मोर देन 120 मार्क आपरेंगे आप सोशियोलॉजी टॉपिक रू ही आसूस ठीक अच्छे जमती कि आप करेंट नेशनल इश्यूज टॉपिक ऑफ सोशल रिलेवेंस पूराटा डेमोग्राफी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देन आप चाइल्ड लेबर जेंडर इनइक्वालिटी रिहैबिलिटेशन ऑफ हैंडिकैप देन ड्रग अब्यूज पब्लिक हेल्थ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो गुड़ा ह्यूमन राइट्स करप्शन कम्युनल हार्मोनी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरनल सिक्योरिटी टोटल टोटल आप डी देखुं दैट इज टू पोर्सन फ्रम टोटाली फ्रम सोशियोलॉजी देन आउ भी आप पेपर वन जब देखिए मैंने सोशियाल रिफॉर्म मूवमेंट ठीक अच्छे सोशियाल रिफॉर्म मूवमेंट जो भी आप सोशियोलॉजी रू कम्प्लीट हो जाए ओके सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है देन इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हु शेप फ्रीडम मूवमेंट इन ओडिशा रो कंप्लीट होनी इंडिया रो हो जाउछ जेमति कि महात्मा गांधी हेले जेमति कि आपनकर माने बहुत गुडाय आपनकर जे भी अंबेडकर हेले इम्पोर्टेंट जो गुडा को सब पूरा ऑलरेडी कवर हो जाउछ एंड पॉलिटी रे भी आल्सो जेमति कि पंचायत राज सिस्टम आपनकर सोसाइटी रे सोशियोलॉजी पेपर रे अछि तो जदी आपन माने टोटल कैपेसिटी रे देखु चंते तो एठो आपनकर 120 प्लस मार्क आपनकर सोशियोलॉजी रो पेपर 1 जीएस कवर हो जाउछ आउ तापरे गोटे इम्पोर्टेंट हूँ कौन ना एसे सब बेले आपर गोटे एसे टॉपिक सोशियोलॉजी रिलेटेड आसे ही आसे श्योर एटा आपर निहाते सोशियोलॉजी टॉपिक रो गोटे एसे आसे तो जब आप सोशियोलॉजी नौते तो ताको आपना पूरा डाइवर्सिफाई करके आपको लिखिपारे तो 200 मार्क एसे तो जनरल कहवापाई गले जदि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज कर तो ए 600 मार्क आपंकर पेपर 1 पेपर 2 प्लस आपर 200 एसए गला देन आपर जीएस जीएस रे भी आप 120 प्लस ओके तो आपर टोटल 1000 एबव मार्क आप 1100 मार्क खाली सोशियोलॉजी जब आज ऑप्शनल नौते आप कवर हो ठीक अच्छे तो गुड ऑप्शनल आप चूज करने बहुत ही भल आपर थॉट प्रोसेस को एनगेज कर सब इनडायरेक्टली प्रभाव गुड़ाक कि मेन जो गुड़ाक कहीं आप ऑप्शनल चूज करेंगे जब भावुंत यहाँ हम बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट ओके जी आप गुड़ाए मार्क से टोटाली कवर कर ठीक अच्छे देन आउ जदि आपण कहि परबे देन सोशियोलॉजी जेहेतु आपण गोटे एडमिनिस्ट्रेशन रे जेतेबेले जिबे गोटे प्रोफेशन बाय प्रोफेशन जेतेबेले एडमिनिस्ट्रेशन को जिबे तो एडमिनिस्ट्रेटर को से कहा पे काम करिवो एट लार्ज से सोसाइटी पे ही काम करिवो जदि आपण मूलरु ही जानि छथि सोसाइटी कोन तार प्रॉब्लम्स कोन तार लैकुनस कोन तो आपण को माने मु कहिबार सेंस होची आपण को जेतेबेले वाइवा होबो ना सेतेबेले को एटा सोशियोलॉजी आपण को बहुत ही हेल्प करिवो ठीक अच्छे बहुत ही हेल्प कर तो यहाँ भी गोटे आपरेंगे जे दैट्स व्हाई आम सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल चूज करवा ओके आज जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो देखुं आप मानने केते गुड़े पोर्सन पे सोशियोलॉजी एक्चुअली नियंते नहीं कंटेक्ट पेपर वन देखी दिखते पेपर वन फर्स्ट दुई तीन टा जो गुड़ाक अच्छी आपनकर यूनिट
से यूनिट गुड़ाक देखिक सोशियोलोजी आ टोटाली चाहते ना कि स्ट्राटेजिकाली पढ़ुंट सोशियोलोजी को मैंने सारे सिलेबस बहुत ही रिड्यूस्ड आपड़ भावुंत बड़ सिलेबस देखा जाऊँगी जमीक मुझे देखुचे कि स्ट्राटेजिकाली पढ़ुंत तो बहुत ही रिड्यूस सिलेबस बहुत ही अल्प जिनस पढ़ाप पड़ो दैट टू अधा आपड़ जानते अलरेडी एजुकेशन निहाती जानते आठ जब आप प्रीवियस क्वेश्चन एनालाइज करेंगे आप निश्चित गोटे क्वेश्चन आप पाइबे ही पाइबे पेपर वन रे भी आउ 2011 रे जदि देखिबे पेपर वन रे भी 60 मार्क पेपर टू रे भी 60 मार्क एजुकेशन सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम ए जो इकोनॉमिक सिस्टम ए सब सिस्टम एथिरु ही आपनकर मैक्सिमम क्वेश्चंस चली आसीबो सो दैट जदि स्ट्रेटजिकली पढ़ले तो आपनकर जो पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी जो गुडा को आपनकर थिंकर्स अछन्ते समस्त आ पई ही थिंकर्स पार्ट पई ही सोशियोलॉजी को अधा नियंतनी के हेबे चूज करनतेनी जे एक्चुअली एते गुडा अछि कार्ल मार्क्स एमिल डर्केम माने वेबर टैलकॉट पार्सन एगुडा को केमती पढ़िबो कोन करिवो एगुडा को माने कोन किंतु जदि स्ट्राटेजिकाली पढ़े एगुड़ाक आर भी आपको भी आप मानते ये पढ़ी पारे कत टॉपिक स्ट्राटेजिकाली आप छाड़ भी पारे सो आप 300 रु स्कोर बहुत ही बढ़िया स्कोर करें आटा गोटे पॉजिटिव आर गोटे आउ कौन गुड स्कोरिंग बहुत ही भल स्कोर माने पिला माने करते सोशियोलॉजी बहुत ही भल स्कोर करते माने सब्जेक्ट हिसाब से भी गोटे भल सब्जेक्ट माने सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो माने से माने तो सोशियोलॉजी एज बहुत ही भल ऑप्शन से माने चूज करते माने मैक्सिमम सोशियोलॉजी को चूज करते तो आप कहीपर ये गोटे माने स्कोरिंग सब्जेक्ट अल्सो दे गोटे चॉइसेबल ऑप्शनल सब्जेक्ट अल्सो ठीक अच्छे आउ गोटे कौन एटा ना कॉमन टॉपिक जदि आप सोशियोलॉजी को आउ गोटे आप सेकंड ऑप्शनल सहित मिसेक नौते तो मैक्सिमम जगार देखिए कॉमन टॉपिक आपंकर चली आसो जमीक एजुकेशन है ठीक अच्छे एजुकेशन सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम ये जो सिस्टम गुड़ाक आप अच्छी तो एगुड़ाक आप अलग जो भी आप सिलेबस सिलेबस सहित आप मैचअप हो सो दैट आपर ये गोटे मानते सोशियोलॉजी सहित भी आप कम्प्लीट करदे जमीक बहुत पिला चूज करते सोशियोलॉजी एंड होम साइंस ठीक अच्छे होम साइंस चूज करते देन हिस्ट्री भी चूज करते एजुकेशन भी चूज करते देन आउ अदर्स भी आप जहाँ सहित भी जब रिलेट करके नौकर तो मैक्सीम आपठ भी कवर हो जाए जमीक होम साइंस तो आप पेपर टू रार्ट बी टोटाली ही कवर हो जाए जोटा कि एक्सटेनसन एजुकेशन आप टोटाल पोर्सन ही कवर हो जाए ओके तो गोटे थर आप दीटा जाकर सिलेबस पूरा सारीदे ना तो आहरी इजी हो गए से सोशियोलॉजी आप चूज करेंगे देन आउ जदि आप कह इजी एटा हूँ गोटे देख जी तो आम सोसाइटी को रिलेटेड जहाँ जोटा कि आम डे टू डे लाइफ रे फेस करुचुक आम फिल करुचु जेहेतु तो आम कौन करवा इजी टू आप मैंने सेमती किसी ना गोटे मेमोरइज कर मैंने रखापे पड़ो सेमती किसी आपाय ना तो सिलेबस को आप आराम से कम्प्लीट करदे पारे कम्प्लीटनेस अफ सिलेबस जोटा कि आपको कौन गोटे कन्फिडेन्स दब इनर कन्फिडेन्स मुझ सिलेबस टा पूरा सारी सारी ठीक अच्छे जिते भी आप स्ट्राटेजिकली प्रिपेयर कले भी जब सिलेबस पूरा सारे तो आप मन गोटे अलग टाइप कॉन्फिडेंस था ना मुझे सब टॉपिक मुझे टच करी पूरा टोटल सिलेबस मुझे पूरा कंप्लीट कर सो दैट यू विल गेट कॉन्फिडेंस मोर तो से सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल चूज करवा कथा ओके तो मुझे कहबी जेहतु गुड स्कोरिंग सब गुड़ा के गुड़ाक तार बेनिफिट्स अच्छे सो दैट सोशियोलॉजी आम निहाती ना कथा ओके आउ साइड बाय साइड आपको थॉट प्रोसेस को एनरिच करे ठीक अच्छे राइटिंग स्किल आपर डेवलप करे देन थॉट प्रोसेस आपर एनरिच करे माने एटा इनडायरेक्ट तार इंपैक्ट गुड़ाक ठीक है सोशियोलॉजी ओके आप भावुंत वे फॉरवर्ड मानने कौन हम सोसाइटी गोटे इश्यूज है करेंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर आप निहाती दरकार आपर क्वेश्चन भी डिमांड से आप कौन स्टेप्स ने आप थॉट प्रोसेस धीरे 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 एनरिच हो जाए साइड बाय साइड तो सोशियोलॉजी इज अ गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट आप नहीं पारे ओके पेपर गुड़ाक एनालाइज कले भी जस्ट आप पेपर वन रू टू थ्री चैप्टर्स खाली जस्ट माने जहाँ भी अच्छे आपर आप टोटाली सोशल माने आपर ही रिलेटेड आपर सराउंडिंग आपर कम्युनिटी देन आपर एनवायरमेंट रिलेटेड देन एट लार्ज आप सोसाइटी रिलेटेड
ଠିକ ଅଛି ତ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ସେତେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ ଆର ଇଏ କଣ ନା ଏନି ହେୟାରମ୍ୟାନ ଆ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ଅପସନାଲ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନଲେଜ ଥିବା ମାନେ ଥିବାର ଅଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବାର ଅଛି ନା ପଲିଟିକାଲ ଇଏ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଥିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୋସିଓଲୋଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଏନି ହେୟାରମ୍ୟାନ ଯିଏ ବି କିଛି ଆର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିବ ସେମିତି ନେଇପାରିବ ଏନି ଯିଏ ବି କିଛି ଆକୁ ନେଇପାରିବ ଆଉ ଆରାମସେ କଭର କରିପାରିବ ୱେଲ ଆଉ ସ୍କୋର ବି ଗୁଡ୍ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଓଲୋଜି ଗୁଡ୍ ଅପସନ ଓକେ ତ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ ସୋସିଓଲୋଜିର ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସ୍କୋରିଂ କେମିତି ଗୁଡ୍ ହବ ସୋ ଦେଟ୍ ଆମେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କେମିତି କରିବା ସୋ ସେତିକି ହିଁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ସୋସିଓଲୋଜି ଆଜ୍ ଅପସନାଲ ଯଦି ଆମେ ନେଉଛୁ ଯଦି ସ୍କୋର ଗୁଡ୍ ଆମକୁ ନିହାତି ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ୱେଲ୍ ଆୱାର ଆଗରୁ ହିଁ ଅଛୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂର ମେନ୍ ହଉଛି ସୋସିଓଲୋଜିର ମାନେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ୟୋର ଆନ୍ସର କେମିତି ହବା ଦରକାର ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠିକ ସେ କରିଦେଲେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନିହାତି ହିଁ ଭଲ ସ୍କୋର ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କିୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ କେମିତି ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ ତାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ସେଟା ହିଁ ଦରକାର ତ ସୋସିଓଲୋଜି ଅଜି ଅପସନାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯଦି ପଚାରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କେମିତି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କେମିତି କରିବା କଣ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଓକେ ଓକେ ମ୍ୟାଡାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଆମର ଜଣେ ମେସେଜ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିତେଶ ଯେ ମାର୍କ କେମିତି ଆସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋସିଓଲୋଜିରେ ହଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ବହୁତ ହି ମାନେ ସ୍କୋର ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସେ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ହି ଭଲ ସ୍କୋର ଆସେ ପିଲାମାନେ ତ ଇଭେନ୍ କି 230 ଏମିତି ବି ସ୍କୋର କରନ୍ତି ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସେ ସ୍କୋର ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ୟୋର ଆନ୍ସର ହାଉ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଦେଲେ ଆପଣ କିୱାର୍ଡସ କ'ଣ ଜାଣିଦେଲେ ସୋସିଓଲୋଜିର ଦାଟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିଁ ଆଗରୁ ଖାଲି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିକି ଲେଖିବାର ବାସ୍ ବାକି ଆଉ କିଛି ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ସୋସିଓଲୋଜି ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ସ୍କୋରିଂ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଟା ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡାମ ଡେଫିନେଟଲି ଯେମିତି ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ କି ଯୋଉ ଆମର ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର 1000 ମାର୍କସ ମାର୍କସ ଆମର ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଆସୁଛି ଯେମିତିକି ଏସ୍ଏ ଗୋଟେ ଟପିକ ଯେମିତିକି ଆମର ଏଜୁକେସନ ହେଲା କି ଆମର ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯୋଉଟା ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଅଛି ତ ତା ଉପରେ ଡେଫିନେଟଲି 200 ମାର୍କସ ତମର ଯୋଉ 600 ଆମେ କହିବା ଯେ ପେପର ୱାନ୍ ରେ ଯୋଉ 600 ମାର୍କ ଆସୁଛି ପ୍ଲସ ତମର ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ରେ ଆସୁଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ତମକୁ ପାଖରେ ପ୍ରପର ଗାଇଡେନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ୟୁ ନୋ ୱାଟ ଆର ଦ ଥିଙ୍ଗସ ମାନେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଅଛି ଦେନ୍ ଇଜିଲି ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଆଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଠ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପିଲାମାନେ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆମର ପିଲାମାନେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିସ୍କି ସବଜେକ୍ଟ ଆଇଦର ତମକୁ ସପୋଜ ଗୋଟେ 60 ମାର୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡ଼ିଲା ଆଇଦର ୟୁ ସ୍କୋର ଆଉଟ ଅଫ୍ 60 ଅଦରୱାଇଜ୍ 0 ସୋ ଆଇଦର ତମେ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ଆସିବ ଅଦରୱାଇଜ୍ ତମେ ବିଲକୁଲ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବନି ତ ସୋସିଓଲୋଜି ଗୋଟେ ଟପିକ ଯୋଉଥିରେ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ତମେ ଯଦି ଆଭରେଜ ବି ଜାଣିଛ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସ୍କୋର ଭେରି ଗୁଡ୍ ମାର୍କ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ସୋସିଓଲୋଜିର ସୋ ଆଣ୍ଡ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ଆମର ମେନ୍ସ ଯେତିକି ପିଲା ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ସୋସିଓଲୋଜି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ହାଇଲି ଯୋଉ ଟପିକ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଆମର ଏଇଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଏରିଆ ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଓଲୋଜିକୁ ସୋ ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ଯାହା ଅଲରେଡି କହିଲେ ୟୁ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ୟୁ ଅଲରେଡି ମ୍ୟାମ୍ ସୋ ଦ ସିଲାବସ୍ କଣ କଣ ଅଛି ୟୁ ସି ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲାଷ୍ଟ 6 ଇୟର୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖ ଆଉ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କି ମୋର କୌଣସି ବି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଟୁ ଡୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ତ ଆଉ ମନୋଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ରେକମେଣ୍ଡ ଦ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ ବିଗ୍ନର୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ନୋଟ୍ ମେକିଂ ଠିକ ଅଛି ତ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସିଏନ୍ ଶଙ୍କର ରାଓ ଯଦି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭେରି ବେସିକ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସିଏନ୍ ଶଙ୍କର ରାଓ ର ଦୁଇଟା ବୁକ୍ ଆପଣ ନିହାତି ହିଁ ଦରକାର ସେଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ବହି ଯୋଉଟା କି ସିଏନ୍ ଶଙ୍କର ରାଓ ଦୋ ଆପଣ ସବୁ ଗୁଡାକ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ପାଇବେନି କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଟପିକ ଆପଣ ଉଠେଇଲେ ସେ ବହିରୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଓକେ ତ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ବେସିକ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭେରି ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ ଆପଣ ସିଏନ୍ ଶଙ୍କର ରାଓ ଦୁଇଟା ତାର ଦୁଇଟା ହିଁ ପେପର ୱାନ୍ ପେପର ଟୁ ଦୁଇଟା ବୁକ୍ ଆସେ ତ ବେସିକ ପାଇଁ ସେଇଟା କିଣିପାରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିତିନ ସାଙ୍ଗୱାନ
ଠିକ ଅଛି ନିତିନ ସାଙ୍ଗ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ବହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ସୋସିଓଲୋଜିରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଅପ୍ସନାଲ ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣ ଏଇ ତିନିଟା ବହି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାଫି। ठीक अच्छे आउ आप जो नोट मेकिंग करेंगे मुझे सदा बेले कहे सोशियोलोजी आप जदि भी मानते नोट मेकिंग कौन जो पूरा टोटाल प्रॉपर नोट आप ठीक अच्छे ना जी आप कीवर्ड्स गुड़ाक खाली जस्ट लिखुं हेडिंग देखिए कीवर्ड्स गुड़ाक लिखुं आप साइड रे सदा बेले तार मार्जिन गोटे टिके मानते बेस छाड़ थे सो दैट जहाँ भी करेन्ट रेवलपमेंट हो जहाँ भी करेन्ट रमी 2021 पपुलेशन आब आउ थे तो 2011 रे जहाँ था चेज हाँ तो इनसर्ट करेंगे रिपोर्ट गुडाक है जेंडर गैप रिपोर्ट है किए कौन रिपोर्ट इंडिया से गुडाक आप इयर वाइज चेज हो सो दैट आप जो गुडाक करेन्ट से गुडाड कर चलते हैं सैड रे मार्जिन छाड़ देते बस आप नोट पूरा जो प्रॉपर नोट मेकिंग टाइम अच्छे करेंगे ना जो कीवर्ड जो खाली लिखिके लिखापी जो नोट मेकिंग कर वेरी गुड से आपर डिपेंड कर तो से दरकार सोशियोलॉजी सेमती बही गुडाक मैक्सिमम श्रीयन शंकर राव नितिन सांगवान पूरा काफी हेलो सर मैम सोशियोलॉजी रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए माने हुए कि नहीं यदि हुए कते कते परसेंट हुए रिपीट सोशियोलॉजी रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए किंतु आपण यदि देखिबे एटा मु कहले ना आरो आंसर को आपण स्ट्रक्चर तार बदलि थाय यदि आपणकर फर्स्ट रे जेबे यदि माने क्वेश्चन पडिचे क्रिटिकली एनालिसिस तो तापर आउ से क्वेश्चन टाकु ही आपण पडथबो एग्जामिन ओके तो कीवर्ड इठी माने कीवर्ड ता ही वेरी करे किंतु आपन कर आंसर रो स्ट्रक्चर समान रहिबा कथा नहि जेहेतु आपन कर कीवर्ड डिफरेंस अछि ना जदि आपन कहउछन्ते एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जदि आपन एग्जामिन कहउछन्ते ता सेठी जदि आपन क्रिटिकली एनालिसिस दे देला टर्म तो आपन कर सब समान किंतु कीवर्ड आपन कर जेहेतु डिफरेंस पळे आसला तो आपन कर आंसर रो स्ट्रक्चर बदल जइबो पॉइंट सब समान रहइबो किंतु आपन कर आंसर रो स्ट्रक्चर बदल जइबो मु कहले ना किछि सोशियोलॉजी गोटे एमती सब्जेक्ट खाली आपन जदि आंसर लेखिबार शैली जानि देले दैट सफिशिएंट आउ किछि दरकार ही नाही आपन को ठीक अछि तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए मैक्सिमम टाइम आपन आउ कोन अछि सेते किछि नाही सोशियोलॉजी सिलेबस रे से एजुकेशन सिस्टम से पॉलिटिकल से रिलीजन अछि कास्ट सिस्टम से समान सब ठीक अछि तो क्वेश्चन रिपीट हुए कीवर्ड चेंज थाय मैक्सिमम टाइम रे आपन देखिबे कीवर्ड ही आपन को चेंज दिबो ओके थैंक यू मैम मैम एक्चुअली सोशियोलॉजी के जो टर्मिनोलॉजी सोशियोलॉजिकल जो टर्मिनोलॉजी अछि ताकु जदि जहां मोर सुनी छी सेटा यूज न करले पनि भलो मार्क मिलेनी सो सेटा फ्रेशर मानन को पई टिक डिफिकल्ट होई जीवो कि ना ना केबे भी होबो नै केबे आपण देखन तो माने साइड बाय साइड आपण कोन सेमती पूरा टोटली जदि आपण गोटे सब्जेक्ट को नै छथिन आज आपण को ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आपण ता पई तो किछि टाइम देबे ठीक अच्छे आउ एटा सेमिति गोटे टर्मिनोलोजी केमछि ना एमिति किछि नै टर्मिनोलोजी लेखिबा पई पढे सोशियोलॉजी रो ठीक अच्छे जेमति कि इजी इजी दैट सेमति नै जे आपण कर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दैट सेति आपण लेखि परबे तो टर्मिनोलोजी आपण कर लेखिबा दरकार सोशियोलॉजी रे जदि टर्मिनोलोजी न रहूछि आउ कोन लेखिबे आपण किछि नै सेतिरे तो आपण जदि खाली एजुकेशन सिस्टम अछि ताकु आपण जदि पूरा माने एमिति लेखिले हिस्ट्री भलिया तो सेमति रे तो मार्क गुड मार्क्स आसे नै एक्चुअली तो सोशियोलॉजी रो टर्मिनोलोजी रहिबा दरकार ठीक अच्छे टर्मिनोलॉजी किंतु आपनकर सेते कष्ट नै जे आपन टर्मिनोलॉजी गुडा को जानि परिबेनि से गुडा को पई अलगा आपनको परिश्रम करबा पई पडिबो सेमति किछि भी नै जते बेले आपन पढु छन साइड बाय साइड ऑटोमेटिकली आपन से टर्मिनोलॉजी तक एक्वेंटेड हि जेबे ठीक अछि थैंक यू मैम हेलो मैडम हेलो मैडम हेलो हाय दिस इज तेजस मिता गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग इनिशियली आई प्लान टू टेक पॉलिटिकल साइंस आईआर एंड सोशियोलॉजी Then when I came to know that geography is more mark fetching, then I switched to geography. But what I am finding that I'm thinking sociology will be easy for me, that it is related to society. But I will be very new to sociology. When you will take the classes, will you come through from the beginning or like everything you will go through, or we need to read and you will only guide us? No, no. From the very beginning, I will teach you. Yes, sir. In Kalinga, yes, I am going to teach from the very beginning. Okay. So, topic-wise, syllabus-wise, is there any particular books available? Like all the syllabus we can cover through that book. So, no. Like, what do you
told now that SN Shankar Rao something. No, no, there is no such book. Okay. Which is covered all the syllabus at a time. There is some books are there, individual topics are there in individual books. Okay, but okay, in but if we have the books, then you can tell us the name so I can get, no problem. But books should be there for individual unit wise, topic wise. You want book? Yes, I want the books. I want the book names. Where I can get the I can cover the syllabus. Total whole syllabus book is not there. Sociology anywhere you can't found any book. Okay, MTB. There are some topics like pluralism, regionalism, like many topics. You can't find any book. Book is there available. किंतु आपन कौन हवना से जद्दी भी बही अच्छी total आपन को रहा 60 marker question पे आपन answer पाई बनी. ओके सर मैडम क्लास नेबे तो आमको पूरा सिलेबस कवर करबे तो सते बड़ आपण कहिबे ना जे को सोर्स रु आमे नै पारिबु कि आपण कर नोट्स. सो व्हाट आई वांट इज आई वांट दी ऑल दी नोट्स और एनीथिंग व्हिच आई कैन रीड ड्यूरिंग माय एग्जाम्स लाइक इट शुड बी देयर विद मी. यस आई विल यस आई विल डेफिनेटली आई विल टेल फ्रॉम व्हिच सोर्स आई हैव टेकन दिस थिंग्स. यस आई विल सो दैट यू कैन ऐड मोर. ओके so is it mark fetching like geography, like in geography we have the maps and all are coming, so in sociology also there are some questions which falls like sure set questions every year, is it like that? Yes, sociology total total apanakar mane total question is like apanakar ase hi ase repeat hue. Okay madam, so I don't know about geography but sociology is a very good scoring subject. I can tell this. Okay, I don't know much about geography. So if we'll start from now itself, then only we can finish. So we will have to revision after prelims. Yes, you can. Okay, you can. So you are now present in your society, na? So everything is within you. You can feel it. It's all about your society, your surrounding, your environment. So it's very easy. You can complete. Okay. Okay. Thank you. Hello, ma'am. Hello. हाँ मैम एक्चुअली मुझे पचार कि आम जी सिलेबस दे सोशियोलॉजी आमको से सिलेबस वाइज टॉपिक कवर कर सी एन शंकर राव से कवर कर फॉर अ बिगिनर फास्ट आमको सी एन शंकर राव पढ़े अच्छे देन आमको सब टॉपिक जो सिलेबस से फाइंड कर तो स्टार्ट केमती करिवे सुनंतु जदी आपण माने टॉपिक वाइज पढिबा पई चाहौ जंती माने पूरा माने फ्रॉम द वेरी बेसिक तो सीएन शंकर राव इज अ गुड बुक तो आपण सेठो टॉपिक वाइज आपण पढि परिवे तो आपण भीतर गोटे नॉलेज माने चली आसीला जे बेस आपण कर गोटे चली आसीला जे ओ एटा होचे ए टॉपिक होचे ए सब्जेक्ट आ पई आ भीतर ए जिंस गोडा को आसीचे ठीक अछि तापर आपण जदि अदर बुक्स रो आपण रेफर करके लिखिबा पई चाहौ छथि जेंति कि इग्नो बुक्स हला तो आपण मेनी बुक्स आ देर तो आपण जदि सेठु प्रति इंडिविजुअल चैप्टर वाइज जदि आपण नोट मेकिंग करिया पई चाहौ छथि तो आपण करि परबे आराम से ठीक अछि किंतु सीएन शंकर होची गोटे एमती बुक सीएन शंकर एंड आल्सो आपण कर नितिन सांगवान एमती बुक जोटे किछ ना किछ आपण पाई जिवे. ओके सीएन शंकर राव एक्चुअली आपण कर जोटा पेपर 1 रो जो पार्ट गुडा को अछि माने डाटा कलेक्शन देन आपनकर थिंकर्स पार्ट सेटा एक्चुअली ते नाही. ओके एते भल से नाही सेगुडा को आपन नितिन सांगवान रे पाई जेबे ठीक अछि. ओके मैम एंदे तो इंडिविजुअली बुक देखले तो बहुत टाइम टेकिंग होबो तति भाई तो मु कहू छी आपनको इंडिविजुअली बुक किछ दरकार ही नाही आपन जदी चाहू छथि सेमति बुक नै कि आपन प्रिपेयर करिया पई. सो देखो आपन एजुकेशन सिस्टम आपण ता पई जदी पूरा बुक खोजिबे जे एजुकेशन ऑप्शनल जहार अछि सेमानकर बुक आणि कि ताको जदी आपण बनेबे किछि दरकार ही नै आपणकर सिलेबस टॉपिक वाइज जहां अछि टॉपिक आपणकर डिमांड कोन करछ से हिसाब रे आपण बनेय दे पारिबे बुझले. आ आज केले त आपण पके सिम कोन्तु मैम आंसर स्ट्रक्चरड आपण दे कोन्तु केमते लिखिया दरकार. यस मु तो से हां मु से कहबी मु खाली आपण मनकर डाउट जदी हेई गला माने आउ कोन किछ पचारीबार अछि सो दैट मु आपणकर आंसर एक्चुअली स्ट्रक्चर केमते करबे ताको मु कहया पई चाहेबे. यस आई विल थैंक यू.
आंसर एक्चुअली देखिए आंसर रो स्ट्रक्चर सोशियोलॉजी रे सब आप जानते देखो करप्शन आप जानी ना करप्शन समस्त किसी ना कि जानते करप्शन विषय में अल्कोहलिज्म ड्रग अब्यूज चाइल्ड लेबर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जेंडर इश्यू फॉरेस्ट डेप्लेशन आप कौन जानना रिलीजन आप जो भी इश्यूज गुड़ाक ना कि टोटाली जानते देन ताकू आपण केमिते स्ट्रक्चर करके आंसर लिखिबे दैट इज मोर इंपोर्टेंट खाली आपण सोशियोलॉजी दैट इज आपणकर कीवर्ड कीवर्ड गुडा को आपण केमिते माने बाछिबे जे कोन देई छै एक्चुअली कीवर्ड कीवर्ड माने कोन आपणकर जेमति के डिस्कस हला ओके डिस्कस देन तापण को आपणकर हला कोन एक्सप्लेन इलैबोरेट ओके कमेंट डिफाइन कंपेयर एग्जामिन क्रिटिकली एनालिसिस दीस आर योर कीवर्ड्स ए कीवर्ड्स को लेके ही आपण आपणकर आंसर को स्ट्रक्चर करबे आ सब आंसर स्ट्रक्चर आपणकर द सेम आपणकर इंट्रोडक्शन आ कंक्लूजन माने पूरा सेम ही सेम रहइबो ओके बेबी आंसर लेखिला आपण इंट्रोडक्शन कहि के गारो कंक्लूजन देके हमते गारो केबे भी देबेनी ओके सेमते केबे भी लेखा जायनी इंट्रोडक्शन इटसेल्फ इंट्रोडक्शन आपण दउचंती अलग गोटे पैराग्राफ सेटा जणा ही पड़ जाय टोटली जेडा होछ आपणकर इंट्रोडक्शन ओके तापरे आपणकर बॉडी रा स्ट्रक्चर स्टार्ट करबे अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड डिस्कस टोटली डिस्कस कले माने डिस्कस सबकि एड कर निजर क्रिटिक्स भावुं क्रिटिक्स दबा कथा जहां भी एगेन्स्ट तो आप निजर क्रिटिक्स भी दे पारे डिस्कस छूट अच्छे जोटी एक्सप्लेन जब पचारे कौन कहे क्रिटिक्स के नो नीड टू गिव क्रिटिक्स एक्सप्लेन जब आप ओके एग्जामिन अच्छे तो आपणकर डाटा जो गुडा डाटा अच्छे ना तो ताको जमती फैक्ट्स एंड फिगर्स एगुडा आपणकर देबा बाध्य ही बाध्य जदि आपणकर एग्जामिन अच्छे तो ए जिंस गुडा आपण जाने गले माने आपणकर स्ट्रक्चर आंसर डिमांड कोन करूचे तो आंसर हेला ही हेला आउ किछि दरकार ही नाही जमती एग्जामिन रे हम कहलो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपण जदि देइछन बस एग्जामिनर देखिला हां फैक्ट्स फिगर्स अच्छे स्टार्टिंग भी आपण फैक्ट्स एंड फिगर्स रु करि परबे जदि एग्जामिन अच्छे आपणकर कीवर्ड ठीक अच्छे तापरे आपणकर बॉडी एज यूजुअल रहिला आउ कंक्लूजन रे केबे भी आपण जहां लिखि चंती तार समरी केबे भी कंक्लूजन नुहे ओके एटा आपण माने माइंड रे रखंतो केबे भी जहां लिखि चंती तार समरी आपणकर कंक्लूजन नुहे कंक्लूजन होचे वन स्टेप अहेड कोण आपण माने बॉडी रे डिस्कशन करले वन स्टेप अहेड आपण जाय की कोण गोटे दउचंती सबुट बेटर होचे वे फॉरवर्ड इज अ गुड कंक्लूजन सबुथरे आपण जदि वे फॉरवर्ड लिखु चंती बहुत ही भलो कंक्लूजन आपणकर ओके वन स्टेप अहेड जाय की आपण भाबे की किछ कोण करबा दरकार लिखु चंती ठीक अच्छे सो दैट आपण बहुत भलो कंक्लूजन होला तो स्टार्टिंग आपणकर कीवर्ड हिसाब रे कोन कंक्लूजन भी आपण तले बॉडी रे जहां डिमांड जदि जेमति की आमे कहिलु क्रिटिकल जदि डिस्कस अछि क्रिटिक्स देई पारिबे एक्सप्लेन थिले नो नीड टू देन जदि आपणकर एनालाइज अछि एडवांटेज आउ डिसएडवांटेज निहाती लिखिबा दरकार जदि एनालिसिस अछि क्वेश्चन एनालिसिस जदि पडिला एडवांटेज आउ डिसएडवांटेज ही आपणकर लिखिबार अछि बॉडी रे इंट्रोडक्शन देले एडवांटेज डिसएडवांटेज देन आपणकर तापरे आपणकर वे फॉरवर्ड कंक्लूजन जहां भी किछ दे पारबे किंतु आपणकर माने एनालाइज अछि आपण एडवांटेज डिसएडवांटेज बिल्कुल भी लिखु नांती आपण पूरा स्ट्रक्चर जहां भी देखि देले कोन गोटे देछि आंसर ताकु आपण जेतिके जानि छथि मूलर आरंभ करले शेषर सारले सेटा सेमिति सोशियोलॉजी एक्चुअली सेटा ही माने प्रॉब्लम हे जाय पिला माने जदि स्कोर करि परंतनी त सेठी हे समान कर लैक्विना रहि जाय ओके ओके व्यू ना जदि देखुं गवर्नमेंट किसी लेकुना अच्छी को स्कीम्स रे कौन लेकुना अच्छी मानने वुमेन एम्पावरमेंट देखो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीड्स टू वुमेन एम्पावरमेंट कौन भावुं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जदि होउछि वुमेन एम्पावरमेंट क्वेश्चन आसी तो कौन लिखे तार पॉजिटिव भी लिखे तार नेगेटिव भी लिखे एट लास्ट शेष सारे नो जदि एग्रीकल्चर भाया गोटे सेक्टर फेमिनाइजेशन बढ़ुच्छे मैंने वुमेन मान पार्टिसिपेशन बढ़ुच्छे वुमेन एम्पावरमेंट कहीपरवानी तो नेगेटिव व्यू देवे ना बुझे पारले तो आपणकर क्वेश्चन जहां डिमांड करछ आपण ता हिसाब रे लिखिबे इवैल्यूएट आपणकर पचारछि निजर ओपिनियन सेठी देबे ही देबे आपण डिमांड करछि क्वेश्चन जे आपण सेठी निजर ओपिनियन दियंतु ठीक अछि जदि आपणकर पचारछि इवैल्यूएट इलैबोरेट पचारछि
केबे भी भूल रे भी क्रिटिक्स लिखिबे नाही केबे भी क्रिटिकली एनालिसिस लिखिबे नाही जदी आपन को इलाबोरेट पचार छी ठीक अछि दिस आर द कीवर्ड्स जदी आपन एतिक जानि जाउ छथि आपन आंसर राइटिंग रे एतिक ऐड करू छथि आपन आउ सब जानि छथि ही खाली ताको स्ट्रक्चर करके जस्ट लिखिबा कथा आंसर रे ओके खाली किंतु एगुडा को खाली आपन मने रखि देबे जे केमती अछि कोन अछि बस सरला कोठी आपन एडवांटेज लिखिबे कोठी डिसएडवांटेज लिखिबे कोठी कोन लिखिबे कोठी काहा को ऐड करिबे कोठी नाही कोटी क्रिटिकल एनालिसिस दरकार डिमांड अछि कोटी बिल्कुल भी ऐड करबा कथ नय जोटी देखो आपन कर इलैबोरेट आंसर दै छी आपन कर कीवर्ड दै छी इलैबोरेट आपन सेटी कोन करथिबे पूरा गोटे क्रिटिकल एनालिसिस पर कॉल के पूरा हेडलाइन करके ताको अंडरलाइन करके क्रिटिकल एनालिसिस लिखथिबे सो आपन कर केबे स्कोर हबो के भलो जे भी एग्जामिनर छबो त आखिर त सेगुड को माने सांगे सांगे पडिबो बुझि पारछन त एगुडा कहि वेरी करे आपन आंसर राइटिंग रे गुड स्ट्रक्चर आंसर रहला आपन लिखि चंदे नो किछि दरकार ही नाही एग्जामिन अछ आपन फैक्ट्स एंड फिगर्स दै चंदे त निहाती आपन को गुड स्कोर करे आ सब किछि त आपन जानि छ कॉलिंग को आईएस रे कोन फिलोसॉफी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे किछि नोट्स से मिल परिबो आ कहबे नो एक्चुअली एक्चुअली हमें डिफरेंट ग्रुप पे हमें सही भड़ा करिया को ट्राई कर छु कि लास्ट टाइम भी हमें लिखु दिले ग्रुप वाइज लिखु दिले किंतु दिस ईयर ऑनवर्ड्स हमें डेडिकेटली पिला मानन को चाहू छु कि जो माने कि प्रॉपर गाइडेंस थ्रो रे जानतु सो दैट कि 1 ईयर तुम पाखरे अछि एंड गिव द बेस्ट 1 ईयर कारण तुम्हें प्रति वर्ष 20% दे कि 5 इयर्स प्रिपेयर करिया अपेक्षा 1 ईयर तुमरो डेडिकेटली तुम्हें लागो जे कोनोसी ऑप्शनल लउ छ भल से लगता पे सो दैट की 1 ईयर रे हमें कंप्लीट माने क्रैक करबा जेमिति ओबीसी सही भले स्ट्रेटजी अदरवाइज हमरा होची जदी हमें हापाजली पढिबा किछि फायदा नै तो पुनी आउ नेक्स्ट ईयर पुनी ट्राई करबा सही भले पुनी प्रॉब्लम सही भले साइकिल जे तो सेति पे ए वर्ष हमें ट्राई करछ नेक्स्ट ईयर हमें सेल्फ स्टडी करूथले जोथरे कि हम भीतर सेति कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन रहउ नथला आ सेति कि इफेक्टिव प्रिपरेशन होउ नथला तो आम ये वर्ष ट्राए करूँ कि डेफिनेटली जमीक तुम जड़े जो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट जड़े जो प्रॉपर जी तुमको गाइडेंस दे पार से स्ट्रेटेजी सहित आम जी चाहूँ तो से मैम आमको सोशियोलॉजी पूरा गाइड करके आमको गोटे प्रॉपर डायरेक्शन नापी रेडी अच्छा तो से आम सोशियोलॉजी स्टार्ट करूँ तो सिमिलर लाइन में आम देखू जदि मानने अलग जो ऑप्शन गुड़ाक तो मे बी विल थिंक अबाउट इट इन फ्यूचर अच्छा वर्तमान कॉलिंग आईएस रे ओनली सोशियोलॉजी पे डिस्कशन होई सर हां हां सोशियोलॉजी पे मैम एक्चुअली डिस्कशन करिवे सर ओके सो विस्मिता मैम एक्चुअली एटी गोटे जिंस थिला जेतु प्रीलिम्स से जो अपकमिंग प्रीलिम्स अप्रैल की मेरे होउची सो आपण जते बेले भी नुआ मोर जो करेंटली बैच आरंभ होबो कॉलिंग आईएस रे सो सेठी सोशियोलॉजी सारिया पई ओटे नुआ एस्पिरेंट फ्रेशर पई केते टाइम दरकार सो दैट बिफोर प्रीलिम्स लाइक एटा सॉरी पारिबो की हां एबे तो जदी हमें स्टार्ट करू छ तो बिफोर प्रीलिम्स तो हमें निहाती सारी दबा किछि प्रॉब्लम ही नाही ठीक अछि आउ जति इन बिटवीन के जॉइन करू छन सो तापर आपण तांको जोगडा कामर वीडियोस थिबो आपण तांको शेयर करनेबे सेमती फैसिलिटीज तो निहाते थिबो ना तो आपण तांको सेही वीडियोस गुडा का शेयर करिने बे आ जति किछ डाउट अछि तो से माने कांटेक्ट करि परिबे मो सहित इंडिविजुअली कांटेक्ट करि परिबे सो दैट मो से मानको तांको डाउट क्लियरिंग हे जइबो तापर अनवर्ड्स जोटु चली थिबो सोशियोलॉजी गुडा देखन एमती गुडा सब्जेक्ट जे आपण को पूरा फास्ट रूम बहुत जण को देखि छे से माने मते कोन कहंती ना पूरा फास्ट रूम मैडम स्टार्ट करन तो ताहले हम पूरा फास्ट रूम ही पढिबो तापर जे कि पूरा लास्ट जे जेमती सरे सोशियोलॉजी सेमती सब्जेक्ट बिल्कुल नै ना आपण जे कोनोसी यूनिट धरिबे दैट इज नुआ सेटा ही आपण को पूरा नुआ टॉपिक तो सेठो ही आपण स्टार्ट करि परबे सेमती ना जे आपण पूरा ए करू लास्ट 12 जाय सारिबे आपण 3 भी पढि परबे आपण 5 भी पढि परबे तापर आपण 12 भी पढि परबे आपण 1 भी पढि परबे ठीक अछि तो जोठो भी से स्टार्ट होत वसे यूनिट रु सेठो से कंटिन्यू करबे ओके आ प्रीवियस गुडा को आपण तांको लिंक गुडा को प्रोवाइड कर देबे सो दैट इजी हबो ठीक ठीक अछि मैडम आई हैव अ क्वेश्चन I have gone through some books of sociology of NCERT. So, whatever subject they have covered there, those are sufficient. Or like what I'm saying is, if one question is there regarding human being or some other thing, so regarding the anthropology, so whatever things they have given. That is enough or what I'm saying is if I will take the sociology optional and that topic I can cover from NCERT or I need to go to another book
See, I have never gone through any NCERT book, frankly speaking. केबे भी नहीं मु केबे भी एनसीईआरटी समस्ते कोहनते जे एनसीईआरटी बहिरु सबण पूरा 6 7 8 9 तो अपन स्टार्ट करंतु एनसीईआरटी बट आई हैव नेवर गन थ्रू दिस बुक्स सो मु बिल्कुल मत अपन मु इग्नोर बुक्स ठीक अछि आई हैव रेड इग्नोर बुक्स वेरी गुड बुक्स तो मु एनसीईआरटी ऊपर मोर मु देखिनी तो इग्नोर बुक्स जति अपन चाहू छथि अपन ताकू रेफर करि परबे ओके ओके मैडम दिस थिंग इफ आई कैन स्किप एनसीईआरटी और नॉट आई कैन स्किप राइट Skip. Like, I don't know much about NCERT books, right? That's why I can't tell you. Actually, about I don't know about the content of the book, then structure of the, like the answers or so topic wise. Through the IGNO book, then that will be yes, very good. These are IGNO books are very good books for sociology, for anthropology, any optional IGNO books are very good. I have gone through these books. So you can choose IGNO books. Okay. मैम एमती के नै सिलेबस हमहु तो ओनली सिलेबस देखि सिलेक्टिव रीडिंग करिया पडिबो तो आउट ऑफ सिलेबस किछि क्वेश्चन आसी एमती किछि नै तो मैम केबे भी नै आपण देखिबे आपण पूरा 15 वर्षर क्वेश्चन आपण देखिनो तो केबे भी आउट ऑफ सिलेबस रो किछि क्वेश्चन आसी नै सोशियोलॉजी रे किछि नै तो आसीबो कोन आपण सब गुडा को जहां भी अछि सब माने आपण सिलेबस इंक्लूडिंग योर सिलेबस जहां भी क्वेश्चन आसीबो सिलेबस भीतर ही आसीबो ठीक अछि बाहर किछि भी आसीबो नै श्योर आप 100% श्योर तो आउ जदी कार किछ डाउट अछि यू कैन आस्क अदरवाइज मैडम तो पूरा डिटेल डिस्कशन करले एंड वन मोर थिंग दिस इज अ स्टैटिक टॉपिक हमें आन जोडा की करंट जोडा को होउछि तमो पई भी हमकु रिलेटेड टू एसे पई भी बहुत आप जो हेल्प करियो जेमदी की मैडम कहले डायनामिक टॉपिक गुडा का हमर सोसाइटी ऊपर तो रियली इट विल बी हेल्पफुल तो सेटा हमर हेल्प करिवो तो मो मतरे जदी आउ कार किछ डाउट अछि यू कैन आस्क अदरवाइज विल माने ऑलरेडी हमें जो इन द भर्स की हमें प्लान कर चुके हमें शीघ्र स्टार्ट कर चु तो यू कैन चेक वन्स अगेन द क्वेश्चन एंड द सिलेबस जहां मैडम कहले ओके एंड वन मोर थिंग की डोंट वरी अबाउट द बुक्स मैडम एक्चुअली जो जो सोर्स रु पढ़िया को पढ़िबो आ कोन कोन पढ़िया को पढ़िबो दैट इज द बुक्स तो मैडम सेटा ही कहिबे कि बहुत गुडे मतरे बहुत गुडे सोर्स फॉलो करले भी हमें कंफ्यूजन हे जीवा तो हमें निजे कौन करिबा ना मैडम ऑलरेडी सेटा तो होची हमर केमिति प्रिपरेशन टा सहज करिबा तो सेउडा को हमें फॉलो करी कि कौन हमें लिखिबार अछि गोटे हमर पर्टिकुलर नोट गुड थरे हे गेले वी कैन फॉलो दैट नोट तो सेटा ही हमर स्ट्रेटजी रहिबा दरकार तो जोडा के मैडम हमकु गाइड करिवे ठीक कहले सर तो हमर जो एसे पेपर अछि एसे पेपर पे हमर अलगा माने प्रिपरेशन दरकार ही नै टोटली 200 मार्क ऑलरेडी सोशियोलॉजी रे कवर हे जइबो हे जो आपण प्रतिवर्ष चेकिंग करन तो गोटे सोशियोलॉजिकल इशू टॉपिक निहाती थिबो आ जे भी माने सोशियोलॉजी बेस रो हे थान तो कि नै थान तो से माने भी आपण देखि मैक्सिमम सेही टॉपिक ही चूज करनते वुमेन एम्पावरमेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आपण को मैक्सिमम टाइम रे आछि ना तो ग्रीन जोटा के जमते के ग्रीन रिवोल्यूशन हला इकोलॉजी बेसिस अपन को टॉपिक हला सबटा अपन सब सोशियोलॉजिकल बेसिस तो सब अपन निहाते माने एसे टॉपिक तो अपन ता पे डिफरेंटली किछ प्रिपेयर करबा दरकार नै सोशियोलॉजी जदी आज ऑप्शनल अपन चूज करू चंदे आ यू कैन स्कोर माने स्कोर गुड आल्सो इन एसे काहे कि अपन को डाइवर्सिफिकेशन थॉट प्रोसेस हे जाइथिबो सोशियोलॉजी को ने के सो दैट अपन बहुत ही भलसे लिखि परबे से एसे को मैम आंसर जो हमें लिखिबो तो आंसर पारा वाइज लिखिबो ना पैराग्राफ वाइज लिखिबो टॉप माने पॉइंट देख लिखिबो आपण कइछ सर जदी आपण सुनन तो सदा बले आंसर पैराग्राफ वाइज लिखिबे किंतु पॉइंट देबे आपण सब पॉइंट गुडा को हेडिंग गुडा को आपण ताको केबे मिस करबे नै ठीक छ आपण जहां भी अछि ताको तो हमें माने मु तो कहू छ जत्ते भी आपण सब पॉइंट करबे सत्ते आपण को मार्क्स स्कोरिंग एबे मु जोठ भी माने क्लास नउ छ आपण देखिबे जदी हमें बहुत ही सॉफ्ट टॉपिक ताकू भी नहीं कि हमें पुणे आओ भाग करी करी बहुत बड़े पॉइंट करी कि हमें आंसर स्ट्रक्चर करू छ ठीक अछि तो आपण जत्ते गुडे पॉइंट को ताकू हाईलाइट सदा बले करिवे आउ पैराग्राफ वाइज लिखिबे किंतु आपण को जो गुडा को इंपोर्टेंट अछि से गुडा को आपण अंडरलाइन करिवे ही करिवे कि पॉइंट गुडा को मैम ऑप्शनल ले जेंती आपण को जेनी पैरा वाइज पैराग्राफ वाइज लिखिबो सेंती माने जेएस से भी पैरा वाइज पैराग्राफ वाइज लिखिबो
ସବୁଥିରେ ଆପଣ କେବେ ବି ମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ କହିବାର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କଣ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆପଣ କେବେ ବି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ବାକ୍ସ କରିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାରା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଯଦି ପଚାରୁଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କହି ଆପଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସକୁ ଲେଖିକି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ତା ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଅଛି ମାନେ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଆପଣ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଇକି ଆପଣ ପାରା ସେମିତି ଲେଖିବେନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଆପଣ ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ର ପାରା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆପଣ ସବ୍ ଟପିକ ୱାଇଜ୍ ଯୋଉଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପଏଣ୍ଟକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କନକ୍ଲୁଜନଟା ମାନେ ଟୋଟାଲି କେମିତି ହବ ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ କନକ୍ଲୁଡ କେମିତି କରିବୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର କନକ୍ଲୁଜନ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେମିତିକି ଫେମିନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆପଣଙ୍କର କଣ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଓକେ ତ ଆପଣ ପୁରା ଲେଖିଲେ ଫେମିନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କେମିତି ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କଣ ହେଲା ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ପୁରା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଇସାରିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର କେତେ ରେଟ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଦେନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଫେମିନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଇଛି ଟୋଟାଲି କାପାସିଟି ଆପଣ ତାକୁ ଲେଖିସାରିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଭ୍ୟୁ ଦଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣିବାର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଡ୍ ଭାବିକି ଦେବେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଓମେନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେକ୍ଟର ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ମାନେ ହାଇ ସେକ୍ଟର ହାଇରାର୍କିକାଲି ପୋଜିସନରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ହାଇରେ ଅଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସଟା ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେଠି ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣ 50% ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ସୋ ଦାଟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହବ ତ ଆପଣ ତାକୁ ସେଠି କନକ୍ଲୁଜନରେ ଲେଖିପାରିବେ ଓକେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଏହେଡ୍ ଭାବିକି କଣ କରିବାର ଅଛି ଭାବିକି ଆପଣ ସେଠି କନକ୍ଲୁଜନରେ ଦେବେ ସୋ ଦାଟ ଯଦି ସେଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହ୍ୟାପେନ୍ ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ ओके गाइस देन विथ आमे ऑलमोस्ट 1 आवर एंड को आसी जाउचे के 45 मिनट्स तो आउ जदी किछ का डाउट अछि वी कैन आल्सो माने मैडम को आमे ट्राई करिवा कि कनेक्ट करिके सोडा सॉल्व करिया पई सो वी आर स्टार्टिंग द कोर्स सून सो दोज हु आर इंटरेस्टेड यू जस्ट ନୋ ମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଅ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ ଓକେ ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆରାଉଣ୍ଡ 22 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ 25 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଯଦି ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ୟୁର ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଛଡ଼ା ବି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ଦେମ୍ କି ଆମେ ବହୁତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଦିସ୍ ମଚ୍ ମାନେ ଏମିତି ଅପରଚୁନିଟି ଯେଉଁଠି କି ପର୍ସନାଲ ଗାଇଡେନ୍ସ ପାଇବ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିମାଲ ଫିରେ ତମେ ପାଇପାରିବ ସୋ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ଅପରଚୁନିଟି ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଅପରଚୁନିଟି ସୋ ଯଦି କେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଡେଫିନେଟଲି କହିବ କି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଜଏନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଜଏନ୍ ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓକେ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଇସ୍ମିତା ମ୍ୟାମ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଟାଇମ୍ and looking forward you to guide us everyone so that ki ame next year definitely sociology optional nahi ki jemti ame gote jo rank list definitely amaro rahibo ta pe sure sir nihati so, rank rakhibe thank you guys and thank you everyone so we'll end the class here and I have also recorded this class we can upload this one in YouTube and also share in Facebook and other platforms so that if anyone interested they can also join thank you everyone and have a great day thank you ma'am thank you everyone thank you sir thank you all of you thank you ma'am. Thank you ma'am sir